फ्रेंड्स, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर और आज वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूं एक बहुत ही खूबसूरत अपराजिता की बेल से। और यह देखिए फ्रेंड्स, एक टूटा हुआ टब था मेरे पास, तो मैं उसी में उस समय इसको लगा दी थी और इसमें खूब सारे फूल होते हैं फ्रेंड्स। ये लगातार बारिश हो रही थी इसके कारण से फूल अभी आपको कम दिख रहे होंगे, नहीं तो पूरा ये भर जाता है फ्रेंड्स। और इस टब का लगता है अब बदलने का समय आ गया, क्योंकि मैं अभी इसे थोड़ा सा छुई तो ये देखिए इसका पूरा ये टूट गया है, क्योंकि 2 साल से ये इसी में लगा हुआ है और एक ही पॉट में ढेर सारे प्लांट लगे हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, एक मैं कढ़ी पत्ता भी लगा दी थी, ये देखिए यहाँ पर इसमें और भी कढ़ी पत्ता ढेर सारे थे, कुछ निकाल के ले गए जिन लोगों को आवश्यकता होगी वो लोग, और कुछ मर भी गए फ्रेंड्स गर्मी में। और यह देखिए इसी में हमारा गिलोई भी लगा हुआ है, ये देखिए ये बेल जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये देखिए दिख रहा होगा एक गिलोई का बेल है और ये खूब सुंदर फैलते जा रहा है, ऊपर तक चढ़ते जा रहा है। ये एक बार तो बहुत ऊपर तक चला गया था तो किसी ने इसे काट दिया। और यह देखिए इसमें और भी आपको दिखेंगे ये, इसको ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पोई साग बोलते हैं, ये भी इसमें लगा पड़ा हुआ है। और भी कुछ था फ्रेंड्स, एक गेंदा का पौधा था वो मर गया, और दिखाती हूँ इसमें, लेकिन गिलोई बहुत अच्छा हो रहा है ये देखिए। और ये देखिए अपराजिता के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं, ब्लू कलर के फूल आते हैं और इसका एक कलर और होता है वाइट वाला, वो मैं बालकनी में लगाई हूँ वाइट और ब्लू मिक्स करके, उसमें फूल तो बहुत कम आते हैं लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए ये यहाँ पर मैं कुछ दिख रहा होगा, एक प्लास्टिक का डब्बा पड़ा हुआ था मिठाई वाला, तो उसमें मैं कुछ कटिंग्स लगा के रखी हूँ क्योंकि इसमें धूप कम आता है, इसलिए मैं छुपा के यहाँ लगाई हूँ कटिंग्स। और इसमें बहुत सारे ये देखिए इस तरह की फलियाँ बनती है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत सारा है और ये इसमें बीज बन जाते हैं। और ये देखिए सूखा हुआ बीज, और ये अपने से झड़ झड़ के फिर से प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो आप सब से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी कीजिए। और मेरी आज बहुत ही छोटी सी वीडियो है, मैंने टब को दिखाने आई थी क्योंकि अभी मुझे इसे बदलना है, ये देखिए अब पानी नहीं ठहरता है इसमें, पानी डालती हूँ तो चारों तरफ से बह जाता है, टूट चुका है पूरी तरह से। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।